सुनते सुनते कुछ तस्वीरें उकरती हैं आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, कुछ शब्दों की, कुछ कविताओं की, कुछ निबंधों की, कुछ लेखकों की, कुछ साहित्यकारों की। जी हाँ, शब्द संसार कुछ ऐसा ही है जिसमें इसी तरह से हम जुड़ते जाते हैं जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से और जानते जाते हैं उन सब महान कवियों के बारे में, उपन्यासकारों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में, जिन्होंने हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर जोड़ा है। और इसीलिए हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहना चाहिए, हर रोज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें लेकर मैं आज फिर आ गई हूँ, पूनम हूँ आपके साथ। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, अभिवादन और स्वागत आप सभी का दिल से। चलिए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ इसी प्रोग्राम की।
रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे। बाजरे के खेतों में कौवे उड़ाएंगे। रात कट बाजरे के सिट्टों जैसे बेटे हो जवान। तिनकों का बस एक आशियां थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमान। तिनकों का बस एक आशियां थोड़ी सी जमीन। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसेस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। तो स्वागत आपका एक बार फिर शब्द संसार में। शब्द संसार जिसमें बातें होती हैं साहित्यकारों की, कवियों की, और उस विधा की जिसकी वजह से जिंदगी जिंदगी जैसी लगती है, नहीं तो हम कब के AI हो चुके होते। तो शुरुआत करते हैं सुनील गंगोपाध्याय या सुनील गांगुली से, जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार। ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिला सरस्वती सम्मान, इसमें अगर सच कहें तो बहुत सारी मेहनत शामिल है दोस्तों, क्योंकि 200 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी। और जानते हैं ब्रिटिश शासन में भारत के इतिहास पर आधारित उनके उपन्यास शेई सोमय यानी वो समय, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। ये पुस्तक अनेक भाषाओं में आज भी आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसका अनुवाद हुआ है। और बांग्ला भाषा की बात करते हैं तो ये बेस्ट सेलर मानी जाती है। उनके उपन्यासों पे बहुत सारी फिल्में भी बनी। तो एक ऐसा नाम जिसने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ ऐसा जो हमेशा जीवित रहने वाला है। अलग अलग विधाएं जो थीं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ आनंद पुरस्कार भी उन्हें मिला। एक और किताब थी उनकी फर्स्ट लाइट यानी प्रथम आलो, ये भी काफी चर्चित रही, काफी अच्छी रही। तो जब भी आपको समय मिले, जब भी आप थोड़ा बहुत समय निकाल पाएं, तो जरूर इन किताबों को पढ़िएगा, उनसे जुड़िएगा, जानिएगा कि उन्होंने कैसे लिखा, क्या लिखा और क्या हम अपने जीवन में उससे सीख पा रहे हैं।
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. किस्मत वाले होते हैं वो, भारतीय नौसेना ज्वाइन करते हैं जो। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बनकर। भारतीय नौसेना ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2023 है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। www.joinindiannavy.gov.in पर लॉग ऑन करें। इंडियन नेवी, एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है शब्द संसार और शब्द संसार में एक नाम जो काशी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोला शंकर व्यास जी की। इन्हें हिंदी विश्व साहित्य कोश के ऐतिहासिक संपादन के लिए काफी नाम उनका लिया जाता है, हम उनके लिए नतमस्तक होते हैं। वैसे और भी बहुत सारी प्रासंगिक और उल्लेखनीय रचनाएं रही, जैसे ध्वनि संप्रदाय या संस्कृत का भाषा शास्त्रीय अध्ययन या भारतीय साहित्य शास्त्र और काव्यालंकार या प्रकृत पैगलम भाग एक और दो, भारतीय साहित्य की रूपरेखा, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, समुद्र संगम। तो इतना सब जो उन्होंने दिया, जो उनकी कर्मभूमि रही, जो उनका एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां पर उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, इससे पता लगता है कि अगर हमें भी कुछ करना है जीवन में, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए ना जीकर किसी और के लिए भी जीना है, कुछ और भी सोचना है, तो शायद ये जरूरी हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं साहित्य से जुड़ें। क्योंकि वो जो प्रेरणा हमें मिलती है किसी और के लिए जीने की, अपनी मनोस्थिति से किसी और के साथ जुड़ने की, वो कहीं ना कहीं बहुत सुकून देती है। और वो जो सुकून है वो हमेशा हमारे चेहरे पर संतुष्टि लाए रखता है, वही संतुष्टि जो हम बहुत सारी चीजों में खोजने की कोशिश करते हैं। मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ।
Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैंक और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसेस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को TDSCPC.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए IncomeTax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। दस बजकर 32 मिनट और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम शब्द संसार। क्योंकि कहीं न कहीं जब हमें पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता, जो आजकल सब कहते ही हैं कि समय थोड़ा सा कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन ऐसे में जब हम इन साहित्यकारों के बारे में जानते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो ये यकीन हो जाता है कि समय कम नहीं होता, शायद हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। और उन प्राथमिकताओं में हमारे लिए ये जरूरी नहीं रहता कि हम साहित्य से जुड़ें, लेकिन शब्द संसार इसीलिए तो है ताकि आप जुड़ें, आप जानें। जैसे आप जानते होंगे अवनीति क्यों हुई, रणधीर पराक्रम के बारे में, हिंदी शब्द संग्रह के बारे में, साम्राज्यवाद के बारे में, या बृहत हिंदी कोश के बारे में, ज्ञान शब्द कोश के बारे में, पारिभाषिक शब्दकोश के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये सारे नाम, ये सारी रचनाएं हम क्यों बता रहे हैं। तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनके जो लेखक हैं मुकुंदीलाल श्रीवास्तव, उनका जिक्र हम कर रहे हैं, भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक। इनके प्रथम रचना सन 1912 में बाल हितैषी में प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद बहुत सारे लेख, बहुत सारी कविताएं अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, और इन्होंने 20 पुस्तकों से भी ज्यादा का संपादन किया। ग्रीस और रोम के महापुरुष या पश्चिमी यूरोप के द्वितीय भाग का अनुवाद किया। तो ये सब जो कठिन परिश्रम किया, ये कठिन परिश्रम जाया नहीं हुआ, क्योंकि आज भी हम उसे पढ़ते हैं, देखते हैं। शुरुआत हुई थी जब वो सिर्फ 15 साल के थे, और उसके बाद क्योंकि उनका इसमें रुझान था तो बड़े होते तक वो इससे जुड़े रहे। उन्होंने एक अलग निबंध लेखन का भी एक अलग माध्यम चुना अपनी लेखनी के लिए। तो इस तरह से अलग अलग लेखनी, अलग अलग संवाद, ये सब करते करते वो काम करते रहे, संपादन करते रहे, लिखते रहे, उनके प्रकाशन काफी सारे होते रहे, जिससे कि एक अच्छा कलेक्शन बन गया। और उन्होंने आधुनिक हिंदी के अतिरिक्त ब्रजभाषा अवधि बुंदेलखंडी में भी बहुत कुछ दिया, बहुत सारे शब्दों का समावेश किया। सोचिए कितना खूबसूरत होगा वो सफर जिसमें वो सब कुछ लिखते रहे और यूं ही हम तक पहुंचाते रहे। शायद यही एक बात है जो हमें हमेशा जिंदा रखती है, इसीलिए साहित्य से जुड़ना हमें कहीं ना कहीं अमरत्व की ओर लेकर जाता है, और एक बचपन को भी जिंदा रखता है, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बचपन से ही जुड़ा होता है। जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब नौकरी जरूरी है, घर गृहस्थी जरूरी है, पढ़ना क्या जरूरी है, लेकिन अगर पढ़ते रहते हैं तो ये समझ लीजिए मन से जो आपका वो बचपन है वो कहीं गया नहीं, वो हमेशा जिंदा है। और वो जिंदा रहता है तो फिर हमारे चेहरे पर भी वही सरलता हमेशा विद्यमान रहती है। लगा के पंछी बनेंगे।
Are you a technical graduate who dreams to lead a life less ordinary? Well, here's a golden chance to serve your nation with pride and honor. Applications are invited to join the Indian Army as an officer. Online applications are invited from technical graduates BE BTech for joining the Technical Graduates Entry 139 course commencing in July 2024. Applications will remain open till 26th of October 2023. For more details, log on to www.joinindianarmy.nic.in. Meri Mati, Mera Desh. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करने का अभियान जिसे जनभागीदारी ने बना दिया है महाअभियान देश के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर घर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल अमृत कलशों में किए गए हैं एकत्रित जो अब पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जहां इन कलशों से होगा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण आइए इस सफल महाअभियान को अब बनाते हैं ऐतिहासिक मेरी माटी मेरा देश ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं कोल्ड 100.1 पर
आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये है शब्द संसार। शब्द संसार में बातें बहुत सारे शब्दों के जो अलग अलग रूपों में हमारे सामने आते हैं, अलग अलग लेखकों के माध्यम से, साहित्यकारों के माध्यम से। वैसे जहां तक स्त्रियों की बात होती है, महिलाओं के बारे में हम कहते हैं, तो अक्सर सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो होता है कि बहुत भावना प्रधान होती हैं स्त्रियां, और बात भी ठीक है। और शायद यही कारण है कि अगर हम लोकप्रिय लेखिकाओं की बात करें तो उसमें लेखकों से ज्यादा लेखिकाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बनाती हैं और हमें एक संवेदना प्रधान बनने में मदद करती हैं। जैसे बात करते हैं मृदुला गर्ग जी की, तो हिंदी की बहुत सारी लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक, कोलकाता में उनका जन्म हुआ और अर्थशास्त्र उन्होंने पढ़ा, लेकिन मन उनका रमा हमेशा हिंदी साहित्य में ही। कथानक की विविधता और विषयों के नयापन, ये उनकी खास पहचान थी, और शायद यही वजह थी कि उन्हें बहुत पसंद किया गया। चाहे बात करें उपन्यास की, कहानी संग्रह की, नाटक की, निबंध संग्रह की, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। इसके अलावा वो पर्यावरण के प्रति बहुत सजग रही, हमेशा महिलाओं और बच्चों के हित में बहुत सारा काम किया। तो इस तरह से बहुत सारी रचनाओं की बात करें, सारी तो नहीं बता सकते, लेकिन जादू का कालीन है, या चित कोबरा है, या कितने कैदी, या टुकड़ा टुकड़ा आदमी, कट गुलाब, उसके हिस्से की धूप, कितना सुंदर टाइटल है। सम्मान की बात करते हैं तो हिंदी अकादमी द्वारा उन्हें साहित्यकार सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा व्यास सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया, ज्ञानपीठ का वाग्देवी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। वर्ष 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला हिंदी के लिए उनकी कृति मिलजुल मन, इस उपन्यास के लिए। उसके हिस्से की धूप जो थी 1975 में आया था, और जादू का कालीन 1993 में, इसे भी पुरस्कृत किया गया। तो ये सारे के सारे नाम जो हैं, सारे साहित्य की जो रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं, उन्होंने हमेशा उन्हें अलग पहचान दी, और उनका नाम हमेशा याद रखने में हमें मदद करेंगे। इसीलिए जब बात आती है कि हम उन्हें पढ़ें, तो इन सारे नामों के साथ ही दिलचस्पी अपने आप बढ़ने लगती है, और लगता है कि इन्हें पढ़ लेंगे तो फिर शायद कुछ ना कुछ एक नए मार्मिक तौर पर हमारी जिंदगी में जरूर जुड़ जाएगा। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। सांस तेरी मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली। तुझे
बदली हमने काया। प्राण अपने एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। एक तन है एक मन है एक प्राण अपने एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। नहीं होंगे जुदा नहीं होंगे जुदा कसम ली हे तूने कसम ली नहीं होंगे जुदा हम। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और ये है शब्द संसार। शब्द संसार में बात अब एक प्रकाशन की, रात का रिपोर्टर या एक चिथड़ा सुख या लालटेन की छत या वेदन, ये बहुत सारे चर्चित उपन्यास हैं। आपने इन्हें देखा होगा, पढ़ा होगा। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी के आधुनिक साहित्यकारों में से एक निर्मल वर्मा की, जो बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखते रहे जिसने उन्हें एक अग्रणी स्थान दिलाया, जिसमें उपन्यास शामिल हैं जैसे
अंतिम अरण्य या रात का रिपोर्टर हमने आपसे कहा कहानी संग्रह है परिंदे जलती झाड़ी पिछली गर्मी में बीच बहस में मेरी प्रिय कहानियां प्रतिनिधि कहानियां या सूखे और अन्य कहानियां या यात्रा संस्मरण है डायरी है चीड़ों पर चांदनी हर बारिश में धुंध से उठती धुन निबंधों की बात करते हैं तो शब्द और स्मृति कला का जोखिम ढलान से उतरते हुए इतिहास स्मृति आकांक्षा अंत और आरंभ नाटक की बात करें तो तीन एकांत संचयन की बात करें तो दूसरी दुनिया या परिवर्धित नया संस्करण अनुवादों की बात करते हैं तो कुप्रिन की कहानियां रोमियो जूलियट और अंधेरा झोपड़ी वाले बाहर और परे बचपन आर यू आर ये बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अगर हम कला की दृष्टि से देखें तो हिंदी साहित्य में एक अभूतपूर्व योगदान के रूप में आज भी उपस्थित हैं ऐसे जो समकालीन हैं जो बहुत कुछ सिखाते हैं और जिनकी चर्चा ऐसी है जिसमें हम ढेरों बातें करते रहें बहुत सारे शब्द जोड़ते जाएं तो भी शायद कम पड़ जाए बात करें उनके पुरस्कारों की तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1999 में और शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया तो इतना सब जो धरोहर है जो एक सागर से चुने हुए मोती हैं जो हमेशा हमारे जहन में रहने वाले हैं बस ऐसे ही नाम जब जुड़ते जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो अलग अलग परिभाषाओं में फैली हुई है शायद हम ही एक परिभाषा को समेट कर बैठे हुए हैं बात करें दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे की जो कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि थे तो उनकी कविताएं समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रही धरोहर रही साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया और अगर हम उनकी काव्य रचनाओं की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी रचनाएं हैं कन्नड़ लेखकों में से एक है इसलिए कन्नड़ में है कितनी कविताएं ऐसी हैं जो बौद्धिक प्रगति को दर्शाती हैं आध्यात्मिक हैं रहस्यवादी हैं इसलिए उनकी भाषा अभिव्यक्ति अलग अलग है जटिल है विचार बोधक है अनुभूति को प्रत्यक्षता देती है बहुत सी कविताएं भी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं भावनाओं और चिंतन की संगति हमें देती हैं इसीलिए शब्द संसार में जब हम बात करते हैं इन सब की तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का पर्याय कहीं बड़ा है हमारी कल्पनाओं से परे है आदर्शों से भी कहीं ज्यादा है और जो ये वाक शक्ति है जो इन सब में है ये वाक शक्ति ये एक प्रतिबिंब है हमारे मनुष्य होने का हमारे मानव होने का क्योंकि आज के इस युग में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ते जा रहे हैं हर रोज एक नया कदम हम बढ़ाते हैं उसमें ये याद आता है कि संवेदनाएं हमें इंसान बनाती हैं हम भावना प्रधान हैं और ये भावना प्रधानता हमेशा रहेगी इसीलिए एआई चाहे कितना ही सक्षम क्यों ना हो जाए लेकिन फिर भी हम जो हैं हम ही रहेंगे वो हमसे ऊपर हो नहीं सकते क्योंकि वो ना तो खुशी जाहिर कर सकते हैं और ना दर्द समझ सकते हैं वो किसी और की संवेदनाओं को अपने साथ जी नहीं सकते इसलिए साहित्य का जिंदा रहना हमारी जिंदगी में हमारे आसपास में बहुत जरूरी है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ताकि वो भी इससे जुड़े रहें और समझ सकें कि ये धरोहर कितनी अमूल्य है जाओ न कहो अनजान
जहाँ जाने का तो मन बिल्कुल नहीं करता और आपसे बातें करते जाएं बस यही इच्छा होती है। शायद इसीलिए शब्दों का संसार हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़ते ही इस वजह से हैं, क्योंकि हमारे पास शब्द हैं, हमारे पास तरीका है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। लेकिन फिलहाल शब्द संसार यहीं तक, कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाज